अब ये भी कोई पूछने की बात है, कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या बोलता है साहेब, क्या क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह सिकुआ। पुष्पा मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुके का नहीं। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में ही पुष्पा पार्ट 1 को रशिया में रशियन भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। पुष्पा 2 को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि इस फिल्म के निर्देशक सुकुमार, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और बाकी टीम इस फिल्म पर फाइनली काम शुरू कर दिया है। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा पार्ट 1 को रशिया में रिलीज करते वक्त ये भी बताया कि पुष्पा 2 जब रिलीज होगा उस वक्त इस फिल्म को भी रशिया के साथ साथ बाकी देशों में भी पुष्पा 2 को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में बिकम स्टार फाहद फासिल, जो एसपी भंवर सिंह शेखावत, एक पावरफुल किरदार है और सीक्वल में भी उसी पुलिस के भूमिका में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी अपनी उसी अवतार में पुष्पा 2 में नजर आएंगे, क्योंकि कहानी वही से शुरू होगा जहां से पुष्पा द्वारा इस फिल्म की कहानी खत्म हुआ था। और पुष्पा 2 फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होगा और जो अभिनेत्री इस आइटम सॉन्ग को करने वाली है उसके एक अहम रोल पुष्पा 2 में होगा। और इसके लिए पहले समंथा और नोरा फतेही का नाम सामने आया था, लेकिन अब इस आइटम सॉन्ग को तमन्ना करने वाली है। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन अपनी पुष्पा 2 को लेकर काफी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बजट भी होगा बहुत ही ज्यादा। रिपोर्ट्स की माने तो 350 करोड़ से 400 करोड़ में इस फिल्म को तैयार किया जा रहा है, जहां पे भरपूर एक्शन के साथ साथ सुकुमार की दमदार स्टोरी दर्शाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2023 में यानी कि अगले साल पुष्पा 2 फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। वैसे पुष्पा 2 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताएं।